आज जो कटक रे खोलिबो समस्त धर्मानुष्ठान कोविड गाइडलाइन अनुसारी भक्तों को मंदिर जिबाको मिलिबो अनुमति एकाथरे 50 जन भक्त मंदिर जाई परिपे 65 वर्ष थारु अधिक व 10 वर्ष रु कम शिशु व गर्भवती महिला को मंदिर जिबार अनुमति नाही। मास्क सामाजिक दूरता व हात सानिटाइजेशन बाध्यतामूलक करा जाई छि। महामारी कोरोना पई दीर्घ 9 मास हला बंद रहितला मंदिर। इन अधिक आलोचना आम सहित आम कटक प्रतिनिधि विश्वजित आम सहित जोड़ रही। विश्वजित, आज कटक रे समस्त धर्मानुष्ठान खोलुची, प्रथमे जानिया को चाहिबो स्वतंत्र एसओपी कौन सब जारी करा जाय छे? निश्चित भाव में माधुरी, जहाँ आपड़ शुणुले कि गात आज काली जो नोटिफिकेशन जारी करागला आज मंदिर खोलुची एवं गोटे भक्त भगवान भितर जो पार्थक्य पाखापाखि 10 मास समय 10 मास भितर कहीपर अनेक भक्त भगवान को देखिपार आसी पार नु आज हूँ खुशी खबर भक्त मानी कि कटक सहर से मंदिर खोली कि विड़म्बनार कथा हो कटक सहर जो धर्मानुष्ठान खोली जाइए कि चंडी मंदिर एपर्त खोली ना कौटना कौटे लोकों भितर टे पुणी से आशंका देखा दे पुणी टी लोक मन दुख में फेर कारण आसी सका चंडी मंदिर खोल चंडी मंदिर माँ को दर्शन करेंगे कितु एपर्त चंडी मंदिर खोली ना कौटना कौटि प्रशासन सहित चंडी मंदिर जो कमिटी अच्छी सहित कौटना कौटी मत पार्थक्य रही जहाँफल गोटे द्वंद्व भितर एपर्त चंडी मंदिर खोली पारे जहाँफल अनेक भक्त आसर मुंडिया मार्चे जाऊँचर कोविड गाइडलाइन आपड़ कहते हैं कोविड गाइडलाइन संपूर्ण भाव में जारी कर स्वतंत्र एसओपी जारी कर सहित किसी भक्त जो मैंने बाहर आस प्रतिक्रिया ना आप कहाँ से मैं कलकत्ता जा आया था। आज सुना है कि दर्शन माने गेट खुलेंगे, आज दर्शन मिलेगा माँ का, तो मैं तो इतना दूर से आया हूँ, एक दो दिन के लिए आया हूँ, तो मंदिर खुला नहीं तो फिर वापस जा रहा हूँ। हाँ, दर्शन करने मैं जब भी आता हूँ कटक तो पहले चंडी माँ का दर्शन करता हूँ, उसके बाद ही कोई भी काम करता हूँ। मेरे ऊपर बहुत भरोसा है माँ का ऊपर। अब यार गेट बंद है, अब क्या किया जाए, कोई तो उपाय नहीं है। कोरोना का टाइम है, अब क्यों ये बंद है? ऐसे तो ऑल इंडिया में सभी मंदिर खुल गए हैं और ये मंदिर अभी क्यों नहीं खुला ये तो पता नहीं। आज मेरे को मालूम हुआ तो इसलिए मैं दौड़ते दौड़ते आ गया। अब देखे बंद ही है, अब लग रहा है, अब लगने से भी तो कोई कर नहीं सकते ना। मैं तो अभी आया, दो तीन दिन हुआ तो अब बंद है, तो अब क्या किया जाए यार। मंदिर जा शुणुले कि पाखापाखि 10 मास जो मंदिर बंद था से आसते कालकाटर माँ का जो भरोसा अच्छी माँ का विश्वास अच्छी से चंडी मंदिर आसते कि विड़म्बन कथा हो चंडी मंदिर खोलनी एपर्त निश्चित भाव में भक्त मान दुख रही भाव में आलोचना कर जो भक्त अच्छा सर कौन कहे आसी मंदिर कौन देखिले आसला नहीं मंदिर देखो मुझे सतटा बेलू आसिक पहुँची सतटा बेलू आसिक पहुँचला पर देखिली मंदिर पहड़ खोली एपर्त का जिते विज्ञप्ति जारी कले आपर न्यूज मध्यम आपंकर पेपर मध्यम जे आसंता का खोल बोली आज मुझे आग्रह सहकार सतटा बेलू आसी पहुँची कितु कौन प्रकार देखिली मंदिर पहड़ खोली निराश होगा पड़ू आउ जहाँ ये पचारि बुझिली से कहले कौन प्रकार प्रस्तुति होनी जदि प्रस्तुति होनी कौन आप प्रहसन कर प्रहसन कौन पर जे आप नोटिफिकेशन काली जारी करदे आज प्रस्तुति करेंगे कहीं आगु प्रस्तुति कले आगु प्रस्तुति करता आज मंदिर खोली था जिते मंदिर आप खोलियाँ जी प्रस्तुत ना मंदिर खोलने निर्देश कहीं दौले नोटिफिकेशन कहीं जारी करते देखो मंदिर प्रशासन सह जिला प्रशासन तालमेल रहा निहाती दरकार एटि मुझे देख ली जो आमर कौन प्रकार मंदिर प्रशासन आ जिला प्रशासन कौन प्रकार तालमेल ना जो जो आज ये विलंब हो मंदिर पहड़ खोलियाँ बहुत आड़ आज आबे तो कलिकतारु लोक आसिकी जाऊँ बारीपदा मुझ सका आस ठिया बारीपदा बालेश्वर विभिन्न भद्रकू भी आसिक लोक फेरिक माधुरी जहाँ शुणुले भक्त मानते दुख रही विश्वजित जो मैंने लोक मैंने रही स्थानीय लोकों प्रतिक्रिया शुणुल ये हूँ भक्त आ भगवान कथा और ये हूँ से ही भावावेगर कथा कितु गोटे प्रश्न आसूची जदि गत काली किसी निष्पत्ति निगला जे आज ही मंदिर खोल और सबकि धर्मानुष्ठान आज खोल जदि आज मंदिर खोल तेज प्रस्तुति किभली सरला कहीं मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन भितर कहीं सामंजस्य देखाला
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ପ୍ରଥମରୁ ଆଉ ଥରେ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ତାଳମେଳ ନାହିଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଗଲା, ଆଜି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଲା କି ସାତରାବେଳୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। କଟକର ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କଟକବାସୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କେବଳ କଟକ ନୁହଁ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କଲିକତା, ବାରିପଦା, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା, କେଉଁଟା କେଉଁଠି ମନରେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 10 ମାସ ସମୟ, ଯେତେବେଳେ 10 ମାସ ହେଲା ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟରେ ମିଳନ ହୋଇନଥିଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା କି ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିପାରିଲାନି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯଦି ନଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ତେବେ ଗତକାଲି କାହିଁକି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏବଂ ଆଜି କାହିଁକି ଭକ୍ତମାନେ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।